एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आ गई हूँ बाहर घूमने के लिए। घर में सबसे पहले उठ जाती हूँ तो सबसे पहले अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर लेती हूँ, तो घूमना फिरना बाहर मौज मस्ती कर लेती हूँ, थोड़ी सी गॉड को धन्यवाद भी कर देती हूँ, मेडिटेशन भी कर लेती हूँ और थोड़ा सा अपना योगा वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। सो गाइस, हवा चल रही है बहुत शानदार वाली बाहर और ठंडी ठंडी मॉर्निंग की हवा बहुत ही अच्छी होती है। क्या आप भी अपने साथ थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अकेले अपना एक घंटा अपने साथ ज़रूर बिताएं, ये बहुत ही अच्छा होता है। अपने आप से बात करना है, गॉड से बात करनी होती है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो डेली उठ जाती हूँ जल्दी, आपने मेरे ब्लॉग में हमेशा देखा होगा कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। घर में सब सो रहे होते हैं लेकिन मैं नहीं सोती हूँ। एंड गाइज, आज का जो फुल ब्लॉग है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत सारे टिप्स भी मैं आपको देती रहती हूँ अपने फुल ब्लॉग में, तो बने रहिएगा फुल ब्लॉग में। सो गाइज, अभी मैं फ़ोन रख के एक साइड को मैं बात कर रही थी। नीचे एक दो लेडीज़ हैं, वो जाती हैं डेली जिम जाती हैं वेट लॉस करने के लिए, बट मैंने उनको बोला था, मेरी बात नहीं मानी और उनको 6 महीने हो चुके हैं वेट लॉस करते करते और अभी भी ऐसे ही दिख रही है वो। तो मैं कभी कभी पूछ लेती हूँ, बोल जाती हूँ ऊपर से, तो वो भी बोल जाती हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी कहाँ जाती हैं, जिम जाती हैं या पार्क, तो कहने लगी जिम जाते हैं। उनका अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे अपना जिम स्टार्ट कर दिया है। भैया हमारे तो घर में ही जिम है, तो हम सोचते हैं अपनी छत पे ही जिम कर लेते हैं, कहाँ इतने पैसे फूकेंगे, है ना। और इतनी जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद एक ग्रीन टी पी ली ना, तो 100 से 200 कैलोरी आराम से निकल जाती है बॉडी से। एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल भी मैं इकट्ठा नहीं होने देती हूँ अपनी बॉडी के अंदर। और मैं एक बात हमेशा कहती रहती हूँ आपसे अपने ब्लॉग में कि आप हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। अगर आप खुले में ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आप अपने रूम में ही कर सकते हैं, ओके। या फिर आप घर वालों से जल्दी उठ के अपनी छत पे जाके कर सकते हैं। और एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, इन छोटी छोटी एक्सरसाइज से ना आपका वेट लॉस नहीं होता है, ओके। हाँ, आप जितने वेट पर हैं उतना वेट मेंटेन ज़रूर रहता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी काउंटिंग को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या आप अपने खाने में कैलोरी काउंटिंग करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद या जिम से आने के बाद आप लोग कुछ हाई कैलोरी फूड लेते हो या कुछ मीठा खाते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। रात को सोते समय कहीं आइसक्रीम तो नहीं खाते हो आप? तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लायक हैं। तो आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दीजिए, नज़र रखिएगा, और आदतों से ही इंसान बनता है ना। तो जितनी अच्छी आदतें होंगी आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी होगी। और अभी आ गई हूँ मैं कमरे में, तो कमरे में साफ़ सफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूल वगैरह हो जाती है। और वैसे तो मैं अब तो डेली कर रही हूँ साफ़ सफ़ाई, हालाँकि हम लोग कमरे में सोते नहीं हैं, फिर भी मैं साफ़ सफ़ाई करती रहती हूँ क्योंकि धूल वगैरह आ जाती है और बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के ड्रॉइंग वगैरह करते रहते हैं, तो उनकी पेंसिल के छिलके वगैरह बेड पे वो ऐसे ही छोड़ देते हैं कभी कभी, तो वहाँ भी मुझे साफ़ सफ़ाई करनी पड़ती है। हालाँकि चादर तो मेरी गंदी नहीं हुई है क्योंकि चादर मैं धो के तुरंत ही बिछा दी थी मैंने, और अभी 4-5 दिन ही हुए हैं इसको धुले हुए और यहाँ पे हम लोग सोते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वॉश नहीं करती हूँ। बाकी बाहर के जो पर्दे हैं वो सारे मैंने वॉश करके टांग दिए थे दोबारा। अंदर के पर्दे जो हैं वो गंदे नहीं होते हैं और ये 6 महीने में एक ही बार धुलते हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको वॉश नहीं करती हूँ। और मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है, और कल क्या था ना, कल मैंने शाम को सारे में अच्छे झाड़ू लगा दी थी सारे में, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला है। जो भी कूड़ा होता है वो किचन वगैरह का होता है या फिर बाहर बरामदे का होता है, तो घर में बच्चे खेलते नहीं हैं तो इसलिए ज़्यादा कूड़ा धूल वगैरह भी नहीं होती है। और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा, तो पोछा भी वैसे तो मैं धुलाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ लेकिन कमरे के अंदर पाइप नहीं आ पाता है, तो मैं बाल्टी से पानी भर के डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने पानी नहीं डाला है। लेकिन धुलाई करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बाहर की साइड में मेरी डेली धुलाई होती है, 1 से 2 बार भी धुलाई हो जाती है, जैसे कि मॉर्निंग में हो गया। अभी तो पोछा लगा रही हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मैं किचन में और बाहर बरामदे में थोड़ा सा पाइप लगा के पानी डाल देती हूँ। तो अभी मैंने मशीन लगा दी है सुबह आज जल्दी, क्योंकि
कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, हस्बैंड के 5-6 जोड़ी कपड़े हैं, तो ज़्यादातर मशीन में सिर्फ हस्बैंड के ही कपड़े धुलते हैं और हमारे और मेरे बच्चों के, हम तीनों माँ बेटियों के जो कपड़े हैं वो मैं हाथ से धुल के डाल देती हूँ। तो मशीन लगाने के बाद मैं यहाँ पर पानी पीना स्टार्ट कर दी हूँ और हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ अभी ग्रीन टी, तो पानी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने उनके लिए और वो ये एफ्रेश पीते हैं। हालाँकि मैं भी पी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं खाना खाने के बाद ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो मैं खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीती हूँ। और हस्बैंड अपने आइडियल वेट पर पहुँचने वाले हैं, बस 2-3 किलो वज़न और घटना बाकी है उनका, तो उन्होंने 3 किलो वज़न अभी पिछले 15 दिन में कम कर लिया है। तो जो जिद्दी फैट हो जाता है, जो स्टक हो जाता है, उसके लिए अलग से डाइट प्लान बनाना पड़ता है, तो मैंने वही बनवा के दिया है उनको और वो अच्छे से अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो अभी हमारा क्लब चल रहा है, स्टार्ट हो गया, तो लैपटॉप लेके मच्छरदानी के अंदर ही हस्बैंड बैठे थे क्योंकि बाहर मच्छर उनको बैठने नहीं देते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मच्छर हैं मुरादाबाद में। और मैं यहाँ पे पानी पीने के बाद कर रही हूँ अपने किचन की साफ़ सफाई। हालाँकि मैं साफ़ सफाई तो पूरे किचन की रात को ही करके सो गई थी, लेकिन मैंने सोचा अभी सुबह में भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ओपन किचन है तो थोड़ा सा धूल वगैरह हो जाती है और जो भी बर्तन वगैरह है थोड़े, तो वो भी धुल के रख रही हूँ क्योंकि रात बच्चों ने सोते समय ना शेक वगैरह पिया था, तो एक दो बर्तन यहाँ पर गंदे हो गए थे और हम लोग भी पानी वगैरह पीते हैं तो वो थोड़े से बर्तन उसके भी हो जाते हैं जैसे गिलास वगैरह होते हैं, तो मैंने सारे धुल के रख दिए हैं बर्तन। और अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ गाइज़, और अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा मांग में सिंदूर लगाने के लिए क्योंकि मैंने आज ना मांग में सिंदूर नहीं लगाया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो नहाने के बाद तुरंत आके कूलर के सामने ही बैठ गई थी और उठने का मन ही नहीं करता। सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी रहने लगी है अभी और सिंगार करने का भी मन नहीं करता, मेकअप करना तो दूर की बात है गाइस, सिर्फ हल्का सा मैं बेबी क्रीम ही अपनी फेस पे मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र के तौर पे, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ गाइज, इतना ज़्यादा गर्मी है तो मैं नहीं कर पाती। और सिंदूर भी मैं अभी कभी कभी लगाऊंगी और सुबह के टाइम में ही सिंदूर लगाती हूँ, वैसे तो मैं कुमकुम वगैरह ही अपनी मांग में लगा लेती हूँ। तो हस्बैंड का भी ऑर्डर हो गया है, वो जा रहे हैं अभी बैंक, तो उनका भी टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ शेक क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं मॉर्निंग में, स्पेशली आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा वो सुबह में हमेशा हर्बललाइफ शेक ही पीते हैं क्योंकि ये हेल्दी न्यूट्रिशन है, उनकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, इसमें सारे हर्ब्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए एक लिमिटेड मात्रा में यानी बैलेंस मात्रा में, तो जितना एक थाली में होना चाहिए खाना वो सारा कुछ इसमें है, 18 विटामिन मिनरल्स, गुड फैट, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अभी यहाँ पे टिंडे बना ली, काट ली हूँ, तो टिंडे ना मैं ऐसे बना रही हूँ जैसे अंदर से खोखले करके ना, भरवा टिंडे जिनको बोलते हैं, तो ये मैंने अंदर से खोखले कर लिए हैं। वैसे तो मैं इनको काट के बनाने वाली थी लेकिन अचानक से मेरा मन किया कि मैं भरवा ही बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने भरवा टिंडे बनाने का यहाँ पर सोचा क्योंकि मुझे भरवा टिंडे ही बहुत अच्छे लगते हैं। हस्बैंड आज घर पर है नहीं, वो गए हैं मेरी ससुराल यानी अपने घर गए हैं, तो वहाँ वो क्या है ना, मैं इसलिए ये टिंडे बना रही हूँ क्योंकि वो टिंडे नहीं खाते हैं, यानी जो मेरे हस्बैंड हैं वो टिंडे नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए आज उनके पीछे से मैं टिंडे बना रही हूँ। तो मैं और मेरी बेटियाँ हम लोग टिंडे खा लेते हैं और चावल रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं टिंडे की सब्ज़ी। और मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, मशीन में धुलने डाल दिए थे सुबह ही, तो सारे कपड़े धुल गए हैं, मैंने फ्रॉक अपनी हाथ से धो के डाल दी थी, इधर बच्चे खेल रहे हैं अंदर कमरे में। भरवा टिंडे का मसाला मैंने अच्छे से भून लिया था और इसमें प्याज है और जो बीज मैंने टिंडे के अंदर से निकाले थे वो है, और बेसिक मसाले हैं हमारे घर के जैसे गरम मसाला, धनिया, ये सारा भर के और मैंने इन्हें कुकर में कुक कर लिया था और 2-3 सीटी में बन के तैयार हो गई थी मेरी यम्मी टेस्टी सब्ज़ी। और अब मैं बना रही हूँ थोड़ी सी रोटियाँ क्योंकि हस्बैंड रोटी ज़्यादा खाते हैं और पहले चावल खाते थे बट अभी रोटी ज़्यादा खाते हैं और बच्चे भी रोटी खाना पसंद करते हैं और मुझे भी रोटी ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि खाली चावल नहीं खाए जाते और खाली रोटी भी नहीं खाई जाती, तो दोपहर के लंच में हमारा क्या रहता है ना, थोड़े से चावल होने चाहिए और थोड़ी सी रोटी, एक रोटी
कटोरी चावल। तो ये है आज की हमारी लंच थाली। तो ये जो लंच थाली है ये मेरी बेटियों के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो ले जाओ तुम। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। और अभी ना दोपहर का टाइम है और थोड़ा आज का जो खाना है वो लेट हो गया था, मॉर्निंग में जल्दी खाना मैंने नहीं बनाया था। और जो थाली लंच थाली मैंने लगाई थी ना, उसी में से अपने लड्डू को खाना दे दिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं उसे ही देती हूँ। 12 बजने वाले हैं और अभी बहुत तेज वाली भूख लगी है, लंच बन गया है। तो मैं लंच बनाते बनाते बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, मैंने कूलर स्टार्ट कर दिया, मैं बैठ गई थोड़ी देर हवा में। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी में आप अपना ध्यान रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा और खाना कम खाइएगा, फल ज़्यादा खाइएगा, जैसे कि खरबूजा है, पानी वाले फल है ना, जितने भी जैसे खीरा, खरबूजा, तरबूज, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाइए गर्मियों के मौसम में। और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो मैं खाना सिर्फ एक ही बार लेती हूँ, सुबह शाम मेरा शेक होता है और दोपहर में हेल्दी स्नैक्स में पोहा वगैरह ले लेती हूँ। तो आज मैंने कुछ नहीं लिया है क्योंकि रात मैंने एक रोटी खाई थी, तो मैं आज सुबह से मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी पूरा कर रही हूँ अपने शरीर का। और अब 12 बजने वाले हैं तो अब मैं खा रही हूँ खाना। ओके तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम है और मैंने अपने फेस पे चंदन का फेस पैक लगाया है, तो टैनिंग होती रहती है, मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है और रैसेस भी हो जाते हैं कभी कभी फेस पे। तो ये जो चंदन का फेस पैक मैं फेस पे लगाती हूँ ना, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है गाइस। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ चंदन का फेस पाउडर है और उसमें थोड़ा सा मैं बेसन ऐड कर लेती हूँ, मतलब 50 मात्रा में, मतलब जैसे 2 चम्मच मैंने चंदन का पाउडर लिया और 1 चम्मच उसमें बेसन का पाउडर डाला, यानी बेसन डाला, और उसमें 1 चम्मच डालती हूँ मैं एलोवेरा जल और अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। आपके पास अगर चावल का आटा है तो आप वो भी ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदे मेरे फेस पे देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह हट गई है, रिमूव हो गई है, मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है इसे लगाने के बाद, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके बस तो चलिए मैं इसे रिमूव करती हूँ, मुझे 30 मिनट हो गए हैं इसको अपने फेस पे लगा के रखा है मैंने जब से, तो इसे रिमूव करती हूँ मैं। यस भी और किट्टू जा रही है मेरे साथ पार्क घूमने के लिए गए, पार्क नहीं जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, पार्क ही जाएंगे, इधर ही मिलेगा गन्ने का जूस। हम जा रहे हैं, मम्मी है ना बॉम्बे, तो हम जा रहे हैं घूमने, तो मम्मी ने अपने पास मंदा ही ली कि हाँ बुद्ध पार्क चलना है, तो हम जा रहे हैं बुद्ध पार्क। नहीं आना तो फाइनली आज मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ अपने साथ घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, पता नहीं कैसी आदत होती जा रही है इन दोनों की। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जिद की थी कि मम्मी हमें घुमाने के लिए लेकर चलो, तो मैं इसीलिए यहाँ पे लेके आई हूँ। और यहाँ पे भैया निकाल रहे हैं गन्ने का जूस ताज़ा ताज़ा। दोनों मेरी बेटियाँ कई दिन से बोल रही थी मम्मी घुमाने के लिए लेकर चलो और पार्क तक घूमने जाना है और उधर से जूस भी पियेंगे हम लोग उधर जाके, तो इसीलिए मैं आज लेकर आई थी। लेकिन आज ना बुद्ध पूर्णिमा है, तो इसीलिए आज पार्क के बाहर बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, शायद कोई फंक्शन वगैरह वहाँ पे है बुद्ध पूर्णिमा का, तो इसीलिए हम अंदर एंट्री नहीं कर पाए और हम लोग यहीं से सीधे ऑफिस चले गए थे। और जूस बहुत ही यम्मी और टेस्टी था, भैया ने बर्फ़ थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था और मैं ना नींबू नहीं पीती हूँ, तो शायद मेरे जूस में नींबू भी था और मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख रही थी तो मुझे लग रहा था नींबू है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बचा दिया था और अपनी बेटी को दे दिया था, क्योंकि मैं नींबू नहीं खाती हूँ, नहीं लेती हूँ नींबू। काम होता है इसलिए वो अपनी हेल्थ को नहीं देख पाती है। हमारी हेल्थ को चलो
इन दोनों को पार्क तो नहीं ले जा पाई थी, तो मैं सीधे ऑफिस पे आ गई थी लेके, और यहाँ पे इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की एक दूसरे के साथ में, और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ पे घर के लिए। सो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।